हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज मैं आपको एक नए महाद्वीप के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है ज़ीलैंडिया। ये आठवां महाद्वीप है जो खोजा गया है। ये न्यूजीलैंड के सरफेस के नीचे की सतह से लेकर पैसिफिक ओशियन में फैला हुआ एक महाद्वीप है। तो जानेंगे इसके बारे में, सो लेट अस स्टार्ट। विश्व में ज्ञात रूप से 7 महाद्वीप हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप। वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड और उसके आसपास के महासागरीय सतह के नीचे 8वें महाद्वीप की पुष्टि की थी और वैज्ञानिकों ने इस डूबे हुए महाद्वीप का नाम ज़ीलैंडिया रखा था। ये महाद्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में 3500 फीट नीचे स्थित है। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज 2017 में कर ली थी, लेकिन इसका मानचित्र उपलब्ध न होने से इस लैंड की चौड़ाई का सटीक अनुमान नहीं हो पा रहा था। न्यूजीलैंड में GNS साइंस के शोधकर्ताओं ने ज़ीलैंडिया के आकार और विस्तृत मानचित्र के रूप का पता लगा लिया है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका जनरल में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस 8वें महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर है। ज़ीलैंडिया महासागर के लहरों के नीचे छिपा दुनिया का 8वां महाद्वीप है। शोधकर्ताओं ने ज़ीलैंडिया की पूरी जानकारी और मानचित्र को इंटरनेट पर डाल दिया है, जिससे लोगों को इससे जुड़ी सारी जानकारी आसानी से सबको उपलब्ध हो सके। खोजी निक मोर्टिमर और उनके साथियों ने इस महाद्वीप के आसपास समुद्र की गहराई, उसकी संरचना और ज़ीलैंडिया टेक्टिक के प्लेट की सीमाओं को रेखांकित किया है और मानचित्र में इसके बनने और लाखों साल पहले इसके डूबने जैसी जानकारी सामने आई है। ज़ीलैंडिया महाद्वीप का लगभग 6% भाग ही समुद्र तल के ऊपर है, बाकी भाग समुद्र में डूबा हुआ है। इसी कारण वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी परेशानी आई थी। मॉल्ट्रिमर और उनके साथियों ने महाद्वीप और उसके आसपास समुद्र तल का काफ़ी गहनता से अध्ययन किया है। इसके आधार पर तैयार हुआ मानचित्र इस महाद्वीप पर उपस्थित पहाड़ों और समुद्र तल तक उठे हुए रिज को स्पष्ट रूप से दिखाता है और इसमें समुद्री तटीय रेखा और इसकी सीमा और समुद्र के अंदर पाई जाने वाली संरचनाओं को भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। GNS के वैज्ञानिकों ने एक मानचित्र तैयार किया है जिसमें पानी के अंदर के महाद्वीप की बनावट, उसकी परत, भूपरपटी की संरचना और महाद्वीप की आयु, इसके बीच स्थित मुख्य दरारों के बारे में बताया गया है। इसमें महासागरीय सतह को नीला, महाद्वीपीय सतह को लाल और पीले रंग में दर्शाया गया है। ज्वालामुखी को लाल त्रिभुजों के माध्यम से और इसके आसपास के टेक्टोनिक प्लेटों को भी दर्शाया गया है। लाखों साल पहले ये भाग गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था और धीरे धीरे इसका काफ़ी भाग पानी के नीचे डूब गया। हमारी धरती पर सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंटल था जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे ये दो भागों में बट गया। उत्तर वाला भाग लॉरेंसिया कहलाया, जिससे यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ और दूसरा भाग दक्षिणी भाग, जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, इससे दक्षिणी महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ज़ीलैंडिया को 2017 तक महाद्वीप का दर्जा नहीं दिया जाता था। इसे मेडागास्कर की तरह ही एक छोटा द्वीप माना जाता था, लेकिन इसमें महाद्वीप का दर्जा पाने की सारी खूबी उपलब्ध है, जैसे स्पष्ट सीमा रेखा, 10 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल और समुद्र की परत से मोटी परत है, जिसके कारण अब इसे महाद्वीप का दर्जा प्राप्त हो सकता है। तो ये था ज़ीलैंडिया के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।